फला गांव में महान सेनानी बलिदानी आंदोलनकारी शहीद महाराणा प्रताप के प्रतिमा का आज यहां अनावरण हुआ। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास की शख्सियत महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने सबके स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में भटक भटक करके विरोधियों का, प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए रातों रात भूखे रहकर अपनी सेना को एकत्र किया, और जहां तक उन्होंने अपनी सीमा समझी वहां तक ये मुकाबला किया और शहीद हुए, वहां तक मुकाबला किया। कहते हैं उनकी जो सीमा थी वो सीमा को खुद नहीं तय करते थे, बल्कि अगर मैं चार पंक्तियां बोल के बताऊं तो उनकी सीमा कहां तक होती थी, द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है फेंक जहां तक भाला जाए। पूरे हरियाणा का विकास ये हम करेंगे, और हमने किया। पहले दो महीने में 2014 नवंबर दिसंबर हमने हरियाणा के हर जिला केंद्र पर जाकर के प्रारंभिक जानकारियां ली, धन्यवाद किया, अधिकारियों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, तो जानकारियां हमको मिल गई। फिर 2015-16 में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया हूं, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में, और जितनी मांगे जिसने कही वो सारी की सारी हमने मानी है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में जितनी मांगे यहां आकर के मैं करके गया था इस विधानसभा की रैली में, वो सारी पूरी कराई। उसके अलावा भी विभागों ने जो काम किया, मैं हिसाब लेके आ रहा था, मैंने कहा सोना विधानसभा का बताओ तो सही कि 5 साल में कितना काम हुआ, तो मुझे बताया गया 288 करोड़ का काम पिछले 5 साल में हुआ। यह अलग बात है कि इस वक्त के 5 साल में जो अभी हमें पहले आ जाना चाहिए था उसके अंदर बाधा बन गया कोविड, कोरोना। कोरोना के कारण से शुरू में 2020 के शुरू में केवल मैं 5 विधानसभा में जा पाया था, अब हमने इस दौर को फिर शुरू किया है, और उसमें सबसे पहली विधानसभा वो सोना विधानसभा की आज की रैली है कि हमें यहां से शुरू कर रहा हूं। लगातार ये विधानसभा आगे करता हमारे होंगे, और जो आपकी अपेक्षा है, आपकी कठिनाई है, आपकी डिमांड है, उसको यथासंभव सबको पूरा करेंगे, सबको पूरा करेंगे, विकट पर करेंगे। तो मित्रों, सोना में जो विकास की लहर है, ये विकास की लहर अपने आप भी केंद्र सरकार की मेहरबानी से भी कुछ शुरू हुई है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां हमारे रोड्स और रेलवे का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बनने जा रहा है कि अगर मैं आपको जो बताऊंगा कि कितनी बातें यहां पूरे वास्तव आपको पता होगा ही, लेकिन यहां 5-5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर से या इसके बाजू से जो निकल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कुंडली मानेसर पलवल, ये अभी सड़क बनी है 2-1.5 साल पहले। इस कुंडली मानेसर पलवल का बहुत बड़ा योगदान विकास का इस इलाके के लिए होगा। ऐसे उसी रूट के ऊपर एक रेलवे, ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर जो पलवल से चलेगी और कुंडली तक जाएगी, वो इस रोड के साथ साथ होगी। अब आपको चंडीगढ़ जाने के लिए शताब्दी दिल्ली से नहीं पकड़नी पड़ेगी, बल्कि इसी रोड के ऊपर आपको स्टेशन मिलेगा, सीधा शताब्दी से चंडीगढ़ जाएंगे। तो चंडीगढ़ का रास्ता इन मार्गों से बहुत आपका आसान हुआ है। ऐसे में कहूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अब इस मार्ग से जो उद्योग लगेंगे इस मार्ग पर, जो सामान जाएगा मुंबई तक, पहले 2-2 दिन सामान पहुंचता था, अब मात्र 8-9 घंटे में गाड़ी यहां से मुंबई पहुंचेगी सामान लेकर के। यहां से सब्जियां भी मुंबई भेज सकते हैं आप, ताजी सब्जियां जो यहां से लगेंगी 5-6 घंटे में खराब नहीं होती, सीधी मुंबई जाके उतरेगी। और अगर विदेश के लिए एक्सपोर्ट का मामला सब्जियों का खुल गया तो ये पोर्ट से वहां से विदेश भी जाएंगी। वैसे तो हवाई अड्डा भी बहुत नजदीक है, अब सब्जियों का भी पोर्ट वो अलग से बनने वाला है। तो इसलिए दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है
एक्सप्रेसवे है, ये तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से सड़क का मार्ग है, साथ में है रेलवे का वेस्टर्न डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, ये है रेलवे का। उससे पहले जो मैंने बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, सोना के बगल से निकल रहा है, जिसका भी पिछले दिनों में नितिन गडकरी जी स्वयं उसका जो देखने के लिए आए थे कैसा काम चल रहा, मैं स्वयं वहां गया था। गुरुग्राम अलवर रोड, इसका भी क्योंकि अलवर के बाद राजस्थान की तरफ निकलने के लिए उस रोड का भी आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे पांच पांच जो हाईवे हैं कनेक्टिविटी के, इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे रोड ये अच्छा हो तो उस इलाके का विकास उद्योग के लोग बहुत करते हैं, रोजगार बहुत मिलता है, तो इस इलाके के आदमियों को रोजगार के लिए कहीं दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा। तावड़ू का लघु सचिवालय और सोना का लघु सचिवालय, इनका शिलान्यास हो गया, 16 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों बने गए। सोना में हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है, 50 का है ना, 35 का बता रहे हैं, 50 का बता रहे हैं, चलो 35 हो 50 हो, आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया, उसकी जरूरत है ना, बहुत जरूरत है, 100 बेड का बने। इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूं, दमदमा झील मैंने देखी है, लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज ने कहा कि उसकी विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है या पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से, उसकी विकास ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना हो, टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तौर को इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है, वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है, जमीन का नहीं, अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, पीएचसी मंजूर कर दी। ऐसे ही दमदमा का स्कूल है, उसका नाम शहीद राज सिंह खटाना नाम रखने की बात आई है, उसको भी हमने मंजूर किया। सोना शहर, बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की, बड़ी मांग एक है, 41 कॉलोनियां वहां है, उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलराइज करेंगे, ताकि अनऑथराइज वाले चक्कर है उनके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे। फारा चौक की एक छोटी डिमांड है, सौंदर्यकरण ये सीएसआर ट्रस्ट में से करा देंगे, पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क, जमीन है पार्क के लिए, तो उस पार्क को भी मंजूर करते हैं, 5 करोड़ रुपया उसके लिए से मंजूर करते हैं। वहां कूड़े की निजात की समस्या है, लेकिन जिस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है वहां पीएलपी एक्ट लगा हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, बहुत जल्दी पीएलपी एक्ट का समाधान मुझे लगता है 1-2 महीने में हो जाएगा, और तुरंत उसका जो कूड़ा निस्तारण की जगह है वो सुरक्षित कर देंगे, ताकि लोगों को इससे निजात मिले। पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें बताई गई हैं, उसमें कुछ सड़कें तो विजिबल हैं, कुछ अभी नॉन विजिबल हैं, किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी में अक्वायर करना पड़ेगा, तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने 7 सड़कें उनका चौड़ीकरण करने का और उनका सुदृढ़ीकरण करना और नई सड़कें 2 उसमें, तो इसके लिए 33.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। स्कूलों की बात भी कही, भंगों का स्कूल प्राइमरी से मिडल, पढ़ने का 8वीं से 12वीं, चीला का 8वीं से 12वीं, जखमपुर का 5वीं से 8वीं, तो ऐसे ये 4 स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले इस वर्ष में इसकी योजना यानी एडमिशन हो जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, 9 सड़कें मंजूर हुई हैं, 11 किलोमीटर लंबी हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च आएगा, ये भी मंजूर किया जाता है। अपना जो शर्मथला आए हैं तो यहाँ क्या देखे गए हैं ये सब पूछेंगे, तो शर्मथला में स्टेडियम की मांग की है, बशर्ते कि 6.5 एकड़ लैंड है, क्या 6.5 एकड़ लैंड चाहिए स्टेडियम के लिए, शर्मथला के कौन कौन है ना, तो स्टेडियम मंजूर किया जाता है। एक ग्वालपाड़ी में भी स्टेडियम मांगा है, ग्वालपाड़ी के लोग आए हैं या यानी आए होंगे, दूर है आए हैं, तो वहां भी 6.5 एकड़ लैंड है, क्या पंचायती जमीन 6.5 एकड़ अगर है तो वहां भी स्टेडियम मंजूर किया जाता। कुछ गांव में सामुदायिक भवन मांगे गए हैं, हमने कहा कि जहां जहां कोई धर्मशाला नजदीक नहीं है, पहले से सामुदायिक भवन नहीं है, ऐसे स्थानों पर तुरंत सामुदायिक भवन बनाएंगे, तो ऐसे 6 स्थान निकले हैं जहां ये सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे, 10 करोड़ रुपए का खर्च उसमें आएगा। इसी प्रकार
ग्राम विकास की सड़कें एचआरडीएफ से 8 सड़कें हैं 16 किलोमीटर, ये भी 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। सोना नगर, यहां पहाड़ का पानी वो कई बार तालाब बन जाता है, वहां पर बाढ़ जैसा हो जाता स्थिति, तो चेक डैम 7 चेक डैम उनके मंजूर किए हैं, उन 7 चेक डैम पर 2 करोड़ रुपया लगेगा, उसको मंजूर किया जाता है। मित्रों कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी फिजिबिलिटी चेक होने के बाद जैसे ही होके आएगी वैसे ही उसकी बाद में घोषणा कर देंगे, लेकिन आज की डेट में 50 घोषणाएं हैं जिनके ऊपर 125 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, इसको सबको मंजूर किया जाता है।